हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुल्लू की टैक चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अमेज़ॉन से कोई भी मोबाइल को कैसे ख़रीद सकते हैं। तो अगर आप भी जो है अमेज़ॉन से मोबाइल ऑर्डर करना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अमेज़ॉन एप्लीकेशन को जो है सर्च करके डाउनलोड कर लेना है। अगर आपने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो और भी अच्छी बात है, आप अमेज़ॉन एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। अमेज़ॉन की एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको जो ऊपर की साइड में सर्च बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप जो भी मोबाइल ख़रीदना चाहते हो उसके नाम से यहाँ पर सर्च कर दीजिए। जैसे मैं रेडमी का मोबाइल ख़रीदना चाहता हूँ तो मैं रेडमी टाइप कर दूँगा। अगर आपको मॉडल नंबर पता है तो आप मॉडल नंबर भी यहाँ पर टाइप कर सकते हो। अगर आप जो है इसी तरीके से सैमसंग का, वीवो का, ओप्पो का, रियलमी का, कोई भी ब्रांड का मोबाइल ख़रीदना चाहते हो, बस वहाँ पर आपको ऊपर सर्च कर देना है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको सर्च कर देना है। सर्चिंग स्टार्ट हो चुकी है तो रेडमी के जितने भी मोबाइल होंगे वो इस तरीके से कुछ आ जाएंगे। देखिए, मोबाइल ख़रीदते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान देना होता है, वो है रेटिंग। जिस मोबाइल को जितनी ज़्यादा रेटिंग मिली है वो मोबाइल उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसको इस्तेमाल करके उसके बाद ही जो है इसको रेटिंग देते हैं। जैसे कि देखिए, ये ऊपर की साइड में एक रेडमी 9 एक्टिव मोबाइल है जो कि 4GB रैम है और 64GB स्टोरेज का है। और इसको देखिए, 249,107 लोगों ने इसको रेट किया है। कितने लोगों ने ख़रीदा होगा इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और इस पर जो है अभी ऑफ़र चल रहा है, ये आपको जो है 9,499 रुपये में मिल जाएगा। इसी तरीके से नीचे की साइड में आओगे तो देखो, इसको भी 249,107 लोगों ने रेट किया है, लेकिन डिफरेंट ये है कि ये 2GB वेरियंट है और वो 4GB वेरियंट है। यही आपको ध्यान देना है। नीचे की साइड में आना है, जो भी आपको मोबाइल पसंद आता है। वैसे अगर आप जो है इसका मॉडल नंबर भी जानते होंगे, जैसे ये देखिए रेडमी नोट 11T 5G है, इस तरीके से अगर आपको मॉडल नंबर पता है तो आपको वहाँ पर जो है मॉडल नंबर इस ऊपर की साइड में सर्च कर देना है, वो मोबाइल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है मोबाइल को सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद अगर आपको जो कोई मोबाइल पसंद आ जाता है उसको ऑर्डर कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं इस मोबाइल को ख़रीदने वाला हूँ, रेडमी 9A 2GB और 32GB वेरिएंट के साथ आता है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो इसकी और भी डिटेल्स इसके अंदर दिखाई देगी आपको। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से जो है बड़े पेज में आ जाता है और आप देखिए इसको स्क्रॉल करके इस तरीके से इसकी और भी डिटेल को देख सकते हो। यहाँ पर एक वीडियो दिया गया है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये वीडियो के थ्रू आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या बढ़िया चीज़ें हैं और क्या क्या दिया गया है इसके अंदर। इसी तरीके से यहाँ पर जो स्क्रॉल करोगे तो इसका बैक साइड दिख जाएगा और यहाँ पर जो भी इसके अंदर दिए होंगे वो सारे के सारे इधर शॉर्ट फॉर्म में लिखे होंगे। इसी तरीके से आप इसको पढ़ लीजिए। नीचे की साइड में जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको जो है कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आपको ये कलर पसंद नहीं है, जैसे मैं आपको इधर करके दिखाता हूँ, देखिए ये जो कलर है, थोड़ा सा बैक करते हैं, ये वाला कलर मान लीजिए आपको पसंद नहीं है तो आप यहाँ से जो है क्लिक करके इसका कलर चेंज कर सकते हो। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे कलर यहाँ पर दिखाई देंगे। जो भी आपको कलर पसंद आता है आप जो उस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे कि जो है मैं अगर ये वाला कलर का ख़रीदना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा, तब तक आपको वेट करना है। इसके बाद यहाँ पर जो है कलर अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिक। अभी देख सकते हो ऊपर की साइड में लोडिंग हो रहा है, अभी देख सकते हो यहाँ पर लोड होकर के आ चुका है। तो यहाँ से जो है आप कलर भी चेंज कर सकते हो। ये तो रही ये कलर वाली बात। इसी के साइड में नीचे की साइड में आप देख सकते हो 2GB 32GB वेरिएंट दिखा रहा है। स्टाइल नेम में आप जा करके अगर आपको 64GB और जो है 4GB चाहिए तो यहाँ पर देख लीजिए। अगर 3GB 32GB चाहिए तो यहाँ पर जो है वो भी अवेलेबल है, वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक इसी तरीके से नीचे आपका जो है जो भी आप मोबाइल ख़रीदोगे उसका नाम दिखाई देगा और थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर जो है कितना पैसा आपको देना पड़ रहा है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नीचे की साइड में आना है, अगर आप जो है नीचे की साइड में थोड़ा सा आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बाय नाउ का। अगर आप जो है बाद में इसे ख़रीदना चाहते हो तो आप ऐड टू कार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसे अभी जो है ख़रीदना चाहते हो तो यहाँ पर बाय नाउ पर आपको क्लिक करना है। जब जो है आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो ये पेज जो है फिर से रीलोड होगा। इसके बाद यहाँ पर पेमेंट मेथड का ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पर आपको पेमेंट करनी होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जब जो है आप ऑनलाइन कोई भी मोबाइल ख़रीदो तो वहाँ पर आपको जो है पेमेंट तुरंत नहीं करना है, कैश एंड डिलीवरी आपको सेलेक्ट करना है, पे ऑन डिलीवरी। ये देखिए ये ऑप्शन है, यही ऑप्शन आपको हमेशा सेलेक्ट करना है।
इससे ये फ़ायदा होगा कि जब ये प्रोडक्ट आपके पास आएगा, यानी ये जो मोबाइल आप ऑर्डर कर रहे हो ये आपके पास आएगा, आप इसे अच्छे तरीके से देख लीजिए, फिर ही आप इसको पैसा दीजिए, वरना ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, या तो आपको तो पता होगा। देखिए हम जो है पे एंड डिलीवरी पर क्लिक करेंगे, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद जो है कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा, कुछ यहाँ पर जो है आपको बताया जा रहा है कि टोटल आइटम आपका इतने का है और डिलीवरी चार्ज इतना लग रहा है, लेकिन डिलीवरी चार्ज जो है छूट होने पे सिर्फ और सिर्फ जितने का आइटम है उतना ही पैसा आपको देना पड़ेगा। वहीं थोड़ा सा नीचे की साइड में आने के बाद देखिए यहाँ पर डिलीवर एड्रेस लिखा हुआ है, जो कि मैंने पहले से ही ऐड कर दिया है। अगर आप जो है ऐड नहीं करे रहोगे तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस ऐड करने के लिए बोलेगा, जहाँ पर जिस भी पते पर आप जो है ये मोबाइल मंगाना चाहते हो आपको वही पता यहाँ पर डालना है। और पता अगर थोड़ा गड़बड़ भी हो जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको मोबाइल नंबर बिल्कुल सही देना है, क्योंकि जब भी डिलीवरी बॉय आता है तो आपके मोबाइल पर कॉल करता है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आने के बाद देखोगे ये आपकी कुछ स्पेसिफिकेशन दिखाई देगी, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्लेस ऑर्डर का। जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो कुछ यहाँ पर फिर से प्रोसेसिंग होगी, तब तक आपको वेट करना है। ये देखिए हमारा ऑर्डर जो है प्लेस हो चुका है, ऊपर की साइड में आप देख सकते हो ऑर्डर प्लेस थैंक यू का ऑप्शन आ चुका है, आपकी डिटेल भी वहाँ पर थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है। अब जो है यहाँ पर हम लोग जो है गो टू ऑर्डर पे क्लिक करके अपनी ऑर्डर की डिटेल देख सकते हैं, या फिर आप बैक भी चले जाओगे तो भी देख सकते हो। मैं यहाँ पर जो है बैक ही जा करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं बैक यहाँ पर पूरा चलता हूँ अमेजोन से बाहर, यहाँ पर करते हैं अमेजोन को ओपन। यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा आदमी वाला, तो आपको इस आदमी वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग होगी, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा योर ऑर्डर करके, ये वाला आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा फिर से लोड होगा। अभी आप देख सकते हो यही हमने जो है ऑर्डर किया है, और मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसकी जो है जो भी डिटेल्स होंगी कि ये अभी देखिए हमने ऑर्डर आज ही किया है, अभी ये शिफ्ट नहीं हुआ है, शिफ्ट होने के बाद आउट ऑफ डिलीवरी होगा, इसके बाद हमारे पास ये बोल रहा है बुधवार तक पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है कि कैसे आपको जो है अमेजोन से मोबाइल ख़रीदना होता है, कैसे ऑर्डर करना होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।